सो हेलो देयर एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज पीडी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज RX 155, RX का रीबॉर्न, RX का रीबर्थ, जो भी कह लो, RX का रीलॉन्च। तो गाइस, आज हम लोग ये टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या RX 155 जो आने वाला है वो सही है, कौन सा इंजन उसके अंदर आएगा, क्या वो रियल है, एंड आ गया तो हमको उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आज एक RX 100 का ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलने वाला है। सो दिल थाम के बैठो और आज का पूरा वीडियो एंजॉय करो। एंड गाइस, अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट मैं लाता रहता है बाइक्स के ऊपर, वेदर इट बी RX और एनी अदर बाइक फॉर दैट मैटर। सो गाइस, अभी हम लोग करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है, SD जावा ने तो अपना बाइक निकाल दिया है। जैसे कि आप लोग को सबको मालूम है, जो जावा पहले जो था टू स्ट्रोक वाला, उसको सेम टू सेम देख के जावा ने फोर स्ट्रोक वाला उसका वर्जन निकाला, जो सेम दिखता है जूना वाला वर्जन का जैसा, थोड़ा सा उसको मॉडर्न टच दिया है ताकि वो रोड पे चल सके, अभी का एमिशन नॉर्म्स को मीट कर सके। फिर उसके बाद हम लोग ने SD का भी कुछ कुछ देखा। अभी अगर आप लोग फॉलो करते हैं ऑटोमोटिव न्यूज़, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि SD भी अभी कुछ कुछ निकाल रहा है अपना बाइक्स, आने वाला है उसका भी। तो वही सब देख के यामाहा भी शायद से अपना RX सीरीज़ लॉन्च करने वाला है। जैसे कि आप लोग को सबको मालूम रहेगा, RX एक बहुत फेमस ब्रांड है इंडिया में, हर एक इंडियन को मालूम है यामाहा RX कौन सा गाड़ी है, दूसरा कोई भी गाड़ी नहीं पता रहने दो, लेकिन RX का जितना नाम है, जितना फैन फॉलोइंग है, उतना बहुत ही कम बाइक्स का है। उसमें से बुलेट भी आता है रॉयल एनफील्ड में, अभी जैसे आप लोग को मालूम रहेगा क्लासिक, थंडरबर्ड, ये सब गाड़ी बहुत कम लोग को मालूम रहेगा, लेकिन आप रॉयल एनफील्ड का कोई भी गाड़ी किसके भी सामने खड़ा कर दो, कोई भी इंडियन के सामने, हर गाड़ी को पब्लिक बुलेट ही बोलता है। तो वैसा एक RX का भी एक नाम है कि भैया गाड़ी किसको मालूम नहीं रहेगा, लेकिन यामाहा मालूम रहता है ये RX। सो जैसा कि आप लोग को मालूम है, जो पिछला वाला जो अभी जो मैं गाड़ी चला रहे, जो ओरिजिनल RX जो था वो टू स्ट्रोक वर्जन था, एंड वही वो टाइम पे बहुत पावरफुल मशीन था, एकदम क्रेजी फन टू राइड मशीन था, जिसके लिए अभी भी ये गाड़ी फेमस है। थैंक यू, अपना चैनल है स्पीडी लियो, सब्सक्राइब करो, उस पर अपना वीडियोस रहता है ये गाड़ी पे। वीडियो चालू है स्पीडी लियो, स्पीडी LIO। थैंक यू। हाँ, अलग से लगाए, वो आता नहीं था पहले। और भाई क्या बोलते हो, क्या अरे वीडियो बना रहा था, घूम रहा था, क्या बोलता है। सो गाइस, वो थे अपने भाई रोहित, अपने जिम बड़ी। सो गाइस, जैसे कि आप लोग ने देखा, ये गाड़ी जैसा ही निकलता है पब्लिक रहता ही है इसको अप्रिशिएट करने के लिए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे कि आप लोग को मैंने थोड़ा बैक स्टोरी बताया कि जैसे जूना गाड़ी को फिर से लॉन्च कर रहे हैं कंपनीज, तो वैसे RX को भी लॉन्च करने का यामाहा का अगर प्लान होगा तो अच्छा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छा है एंड क्या क्या बुरा है इन द RX 155। सो गाइस, RX 155 को जो भी इमेजेस सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे, वो एक रेंडर्ड इमेज है, मतलब कोई तो भी एक आर्टिस्ट है उसने वो इमेज कुछ तो बनाया है। तो जैसे कि हम लोग इमेजेस में देख सकते हैं, गाड़ी पूरा का पूरा सेम है, RX का पूरा बॉडी है एकदम एग्जैक्ट सेम, थोड़ा कुछ कुछ चेंजेस है, थोड़ा हैंडल नीचे है, थोड़ा सीट अलग है, उसका पीछे का बैक वाला पोर्शन टेल लाइट वाला थोड़ा अलग है, बस उसके अंदर R15 का इंजन है, 155 cc वाला VVA टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। एंड ये ऑफिशियल लीक नहीं है, ये कोई तो भी एक आर्टिस्ट ने उसने बनाया है, जिसको देख के पूरा इंटरनेट एकदम क्रेजी हो गया है, एंड जो कि अपने सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, जो हमको मेरे को भेज रहे रोज़ इमेजेस, भाई इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आपका भाई आ गया वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, R15 का इंजन जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा MT-15 में भी यूज़ होता है,
एंड वैसे ही यामा और भी अपना इंजन स्वाप करते रहता है, जैसे कि FZ में है और अभी एक लेटेस्ट कोई तो भी XZR कुछ तो भी है, उसमें भी FZ का इंजन है। तो वैसे ही चांसेस है कि मतलब R15 का इंजन इसके अंदर RX 150i में यूज़ हो सकता है, क्योंकि R15 वाला इंजन जो है वो बहुत पावरफुल है 150cc में, 150cc कैटेगरी में यामा के पास वो सबसे पावरफुल इंजन है। तो हो सकता है वो RX का कैरेक्टर को मीट करने के लिए उन लोग वो वाला इंजन इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जैसे कि R15 का अगर इंजन ये गाड़ी में अगर जाता है तो पावर फिगर्स भी एग्जैक्ट सेम रहेगा, 18-19 BHP का पावर रहेगा, बाकी टॉर्क वगैरह जो भी जितना भी रहेगा सब कुछ सेम रहेगा एज द R15 हैज़ लेटेस्ट वाला। सो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे जो दो मेन ड्रॉबैक्स है RX 155 का, एंड वो बहुत ही मेजर ड्रॉबैक्स है। RX 100 या फिर RX सीरीज इज नोन फॉर द टू स्ट्रोक इंजन, मतलब ये जो साउंड है RX का, ये जो साउंड है फोर स्ट्रोक इंजन में कभी भी नहीं आ सकता है, कभी 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 भी नहीं। एंड जैसे कि आप लोगों को मालूम है R15 में जो इंजन है वो फोर स्ट्रोक है एंड ये इंजन टू स्ट्रोक है, तो ऑब्वियस बात है वो साउंड ही नहीं आ सकता है। एंड RX का जो पावर टू वेट रेशियो है, कोई भी आप गाड़ी ले लो, RX 100, RX 135, RX Z, RX G, ये सबका पावर टू वेट रेशियो बहुत ही खतरनाक है। मतलब गाड़ी का वेट है कम एंड टू स्ट्रोक इंजन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, इसलिए RX इतना फास्ट है। तो वो मुश्किल है R15 का इंजन RX में डाल के वो पावर मिलने का, पावर अगर मिल भी गया तो टॉप स्पीड मिलेगा, ऐसा टॉर्क मिलने का थोड़ा मुश्किल है। अभी पता नहीं यामा उसमें कुछ चेंजेस लेके आ भी सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल वो कोई इनिशियल टॉर्क अगर बढ़ा देगा तो उसका, अगर इनिशियल टॉर्क बढ़ा दिया लो एंड वाला तो गाड़ी का टॉप स्पीड कम हो जाएगा, टॉप एंड में पावर बढ़ा दिया तो फिर हाई स्पीड बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ गारंटी नहीं है। एंड गाइस अच्छा चीज़ के बारे में बात करूँ तो RX का लॉन्च हो जाएगा फिर से एक बार, सब लोग को देखने को मिलेगा एंड गाड़ी एनवायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबको चाहिए RX का पावर, साउंड, उसका फन टू राइड कैरेक्टर, जो RX 155 में मेरे को नहीं लगता मिलने वाला है। सो गाइस ये कुछ था स्पीडी लियो का पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द RX 155। आई होप आप लोग को पसंद आ रहेगा ये वाला वीडियो, एंड आपको भी अगर कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालो, जैसे कि आप लोग को सबको मालूम है मैं रिप्लाई देता है सबका। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ऐसा और भी वीडियोज़ देखने के लिए। सो अंटिल देन दिस इज स्पीडी लियो, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ़।